तो चलिए अब उन्नयन कोण के आधार पर एनसीईआरटी का एक उदाहरण करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जर्वर कहते हैं, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। दिए गए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो को रोकें और इसको हल करने का खुद से प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। यहाँ दिया है ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है तथा चिमनी के शिखर को देख रहा है। हमने पढ़ा था कि जब प्रेक्षक अपने से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। इसलिए यहाँ उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए अब हम चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। माना चिमनी की कुल ऊंचाई h मीटर है। चूंकि ऑब्जर्वर की ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसलिए यहाँ तक चिमनी की ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी और बाकी पार्ट की ऊंचाई हम लिख सकते हैं h माइनस 1.5 मीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका आधार 28.5 मीटर और ऊंचाई h माइनस 1.5 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज में जब हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके हल करने पर हमें h बराबर 30 मिलेगा, इसलिए चिमनी की ऊंचाई होगी 30 मीटर। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।